नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे बॉबी देओल की अपकमिंग मूवीज। बॉबी देओल की एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है श्लोक, दिस इज श्लोक। और दोस्तों ये फिल्म काफी जबरदस्त होने वाली है। कुणाल कोहली ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। दिसंबर में फिल्म की शूटिंग कम्प्लीट हो चुकी है दोस्तों, और अब इस फिल्म को रिलीज करने की तैयारी है, मतलब कि मार्च अप्रैल तक फिल्म रिलीज होनी चाहिए। पोस्ट प्रोडक्शन में फिल्म है। तो ये एक जासूसी डिटेक्टिव टाइप का रोल यहाँ पे बॉबी देओल करते हुए नजर आएंगे, और जो मर्डर मिस्ट्री है कि किस प्रकार से एक के बाद एक मर्डर हो रहे हैं, उनको किस प्रकार से वो सुलझ जाते हैं, इसके बारे में ये फिल्म है। तो काफी जबरदस्त फिल्म हो सकती है। और वैसे भी एनिमल के बाद बॉबी देओल काफी डिमांड में है, उनकी डिमांड एकदम से बढ़ गई है। एनिमल में अबरार हक के रोल में, एक म्यूट करेक्टर के रोल में जिस प्रकार से उन्होंने जान डाली, और जिस प्रकार से जमाल कुडू सॉन्ग में उनका डांस देखने को मिलता है, सर पे गिलास रख के नाचते हैं वो, तो लोगों को दीवाना उन्होंने जरूर बना दिया है। तो उनकी डिमांड काफी बढ़ गई है। तो ये देसी शर्लॉक मूवी के अलावा उनके पास दोस्तों और भी कई फिल्में, अपने टू में भी काम करेंगे वो, साथ में साउथ की कई बड़ी बड़ी फिल्में उनको ऑफर हुई है जिसके बारे में जल्दी ही डिटेलिंग सामने आएगी। और इसके अलावा दोस्तों हाउसफुल 5 में भी वो नजर आएंगे। हाउसफुल 5 में भी काफी बड़ी स्टार कास्ट है, अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख और बहुत सारे और भी कलाकार हैं। तो सभी जो फ्रेंचाइजी में जो पहले काम किए उन सभी को यहाँ पे रिपीट किया जाएगा। और साउथ की कई फिल्में साइन करने वाले हैं बॉबी देओल। इसके अलावा आश्रम का अगला पार्ट भी उनका आएगा, आश्रम सीरीज का। तो बॉबी देओल के पास भी ये फिल्मों की लाइन लगने वाली है। लेकिन सबसे पहले उनकी जो रिलीज होने वाली मूवी है वो यही है श्लोक, द देसी श्लोक। तो इस फिल्म से काफी उम्मीदें आप लगा सकते हैं। पहले शुरू में इस फिल्म को ओटीटी पर रिलीज किया जाना था कि ओटीटी पर रिलीज कर देंगे, क्योंकि बॉबी देओल की ज्यादा हाइप नहीं थी, क्रेज नहीं था। लेकिन अब जैसे ही एनिमल फिल्म बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई और बॉबी देओल की फैन फॉलोइंग बढ़ी, उनकी एक मांग बढ़ी, डिमांड बढ़ी, तो अब डायरेक्टर कुणाल कोहली ने डिसाइड किया कि फिल्म को बड़े पर्दे पर ही रिलीज किया जाएगा। तो देखिए जल्दी ही फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस हो सकती है। जैसे ही जानकारी आती है आपको तुरंत जानकारी देता हूँ। फिलहाल इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री राम, जय बोले राम।